जो भी आर्मी में जो मेट हैं कोई भी है, उसके बाद जैसे कोई डीलर है डीलिंग काम कर रहा है फौज के साथ, क्या हमारे बंदे नहीं कर सकते हैं? आप लोग के पास पैसा भी है, छोटी मोटी डीलिंग कर सकते हैं हम? वो भी नहीं है हमारा, बाकी जो ये पहला बात से मिलेगा। हमारी एक छोटी सी हमने ये मीटिंग रखी थी अपने भाइयों की जो हमारे एक्स सर्विसमैन आए हैं, तो हम बिखरे हुए थे जब से हम रिटायर आए, तब से हम बिखरे हुए थे। तो आज मैंने इनको जोड़ने की कोशिश की है कि हम एक साथ जुड़ेंगे और कोई भी काम है, कोई भी हमारे मसाइल हैं तो हम सरकार तक ले जाएंगे। सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, तो अगर हम सरकार उधर पहुंचेंगे तो सरकार हमारी बात सुनेगी। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई पीछे पीछे रहे हैं, इन्होंने मुझे आज प्रेसिडेंट चुना है। हम ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला का नहीं हूँ, ये हमने पूरे साउथ का मैं प्रेसिडेंट अभी बनाऊँ। तो इंशाल्लाह कि इनकी जो भी मसाइल होंगे मैं आगे तक ले जाऊँगा, जहाँ तक मुझे जाना पड़े तो इनके लिए मैं लड़ूंगा, इनका जो हक है वो मैं इनको दिला के रहूँगा। क्या क्या मसाइल हैं आपके? हमारे मसाइल हैं कि जैसे हमारे कोई एक सर्विसमैन आए हैं, रिटायर आए हैं, इनके हमारा एक कोटा आता है एक सर्विसमैनों का हर एक डिपार्टमेंट में, कि जैसे जंगलात हो, पुलिस हो, हर एक डिपार्टमेंट में इनका कोटा आता है। तो हमें वो कोटा अभी तक इनको नहीं मिल रहा है, या कहीं जाते भी हैं तो इनको यहाँ से बोलते हैं कि भाई अभी चले जाओ, किस भी आपस में चलते जाओ, क्या आपका अभी वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। हमारी वैकेंसी ऊपर आती है, ऊपर से आती है लेकिन वो दबाई जाती है, इन तक नहीं पहुँचती है। देखो जैसे हमारे नौजवान ये भी एक भारत सेना की नौकरी करके आए हैं, तो इनको भी अपना हक मिलना चाहिए। अभी ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी सब यंग हैं, नौजवान हैं, ये अगर भारत सेना की नौकरी करके आए हैं तो ये रोड पे जाके गेंदी नहीं मारेंगे। जो इनका हक है इनको हक क्यों नहीं दिया जाएगा? अगर इनका कोटा आता है कुछ डिपार्टमेंट में आता है सर्विस, तो इनको मिलना चाहिए, यानी कि ऊपर से ही लेटर दबाई जाए इनकी, इनके तक ना पहुँचे। तो ये बात हम आगे तक लेके जाएंगे, इंशाल्लाह सरकार हमारी सुनेगी, हम सरकार के बंदे हैं, सरकार हमारी है, वो चाहे कोई भी हो। तो बाकी अस्सलाम। तो आज हमने अपने भाइयों का जो भी यहाँ पे बुलाए हैं, जो भी किसी के मसाइल हैं, प्रॉब्लम है, कोई भी है, तो उस चीज़ को हमने जोड़ने की कोशिश की है, अपनी प्रॉब्लम जो भी है एक दूसरे के साथ शेयर करना, क्योंकि हमें 3 साल हो गए घर में आए हुए, तो उसकी वजह से सब मतलब हम दूर से एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही थी या मिल नहीं पा रहे थे। तो ट्रेनिंग में तो नौकरी में इकट्ठे ही रहते हैं, माशाल्लाह हमें 3 साल हुए आए हुए, तो आज हमने छोटा सा ये प्रोग्राम रखा था अपनी पार्क में पूनियार में। तो इसमें अपनी यूनियन हमें रजिस्टर्ड करने के लिए आज हमने मतलब सब बंदों को बुलाया था। तो इसमें हमारी प्रॉब्लम से जैसे कई सिविल में या कोई प्रोजेक्ट का काम होता है कहीं होता है, तो उसमें एक्सर्समैन को बेनिफिट मिलना चाहिए हर चीज़ में, या पावर डिपार्टमेंट में आ रही है हमारी वैकेंसीज आ रही हैं, इसमें जंगलात में आ रही हैं, तो उसमें अपने एक्सर्समैन को बेनिफिट मिलना चाहिए। या हमारे आर्मी के लिए लेटर आया है कि एक्सर्समैन को कहीं जैसे अपना ये होता है मेट होता है उसमें उसके लिए वैकेंसी है, लेकिन अभी तक तो हमारे बंधु में किसी को भी वो वैकेंसी नहीं मिली है। तो इसलिए हमने आज ये प्रोग्राम रखा था, इंशाल्लाह हमारी बात सरकार सुनेगी, हम भी सरकार के हैं और सरकार भी हमारी। सरकार से क्या मांग आज आपकी मीटिंग में? सरकार से हमारी मांग यही है कि एक्सर्समैन जो भी हैं ये यहीं पे नहीं, हमारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला नहीं है, ये पूरे वैली के लिए, साउथ के लिए है, कि
हमारे जैसे 30-35 साल में या 38 साल तक जो एज होती है तब तक हमारा बंदा रिटायर आता है, तो उसको दोबारा भी मौका मिलना चाहिए। और उसके बाद में हमारी आर्मी है, पुलिस है, हम उनके साथ में हैं, अभी भी हम तैयार हैं, हमारी जरूरत जब भी होगी तो हम तैयार हैं उसके लिए, देश के लिए हम तैयार हैं। जी सर, आज जो हमारा आज एक एक्सर्समैन का जो प्रेसिडेंट नियुक्त बनाना था आज, वो हमने परवेज साहब को कर दिया है। ये हमारे वेलफेयर के बारे में देखेंगे, हम वेलफेयर से ही मांग रहे, कोई एडिशनल चीज हम नहीं मांग रहे सरकार से, हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके काम करना चाहते हैं। जैसे कोविड की अगर हम बात करें, हमारे एक्सर्समैन भाइयों ने तब एक फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट को प्रोडक्शन किया कि हमने कोविड में लड़के दिए हैं जिन्होंने गवर्नमेंट्स की मदद की है। आज हमारे जो मुद्दे हैं, जो बाकी स्टेट्स में हमारे वेलफेयर होते हैं एक्सर्समैन को, चाहे वो बिजली बिल का मामला हो या पावर का, या हमारे स्कूल बच्चों की फीस हो, या बोर्डिंग स्कूल्स में एडिशनल वैकेंसी हो, या हमारे आर्मी जो ब्रिगेड्स होते हैं उनमें कंटीन्स वगैरह हो, हम उसमें देखना चाहते हैं कि अपने एक्सर्समैन का वेलफेयर जो उठाए परिवेश साहब, इसलिए हमने चुने। आपको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे? तो हम बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन आपको पता है ये कश्मीर है, अगर आप पंजाब में देखेंगे या दूसरे स्टेट्स में देखेंगे, वो सारे चीज़ नहीं मिल पा रहे हमको, यहाँ इग्नोर कर रखे हैं। अभी यूटी बनने के बाद काफ़ी अच्छे वेलफेयर मिल रहे हैं, लेकिन हम चाहे कि जो दूसरे स्टेट्स में वेलफेयर मिल रहे हैं वैसे ही हमको मिलना चाहिए, हम उसी के लिए हैं। तो क्या मैसेज रहेगी और क्या मांग रहेगी एट लास्ट आपको? देखो, हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके पहले हम चीज़ उनके साथ कॉपरेट करेंगे काम, हमारी ज़रूरत उनको पड़े, मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत बताता हूँ कि हमारे ज़रूरत जब भी पड़े हम आपके साथ शाना खड़े रहेंगे, हमारे प्रेजिडेंट साहब के साथ वो रब्ता करेंगे, हमारे लोग एक्सर्समैन जो है प्रॉपरली उनको वर्क दे देंगे। लेकिन हमारे जो वेलफेयर है, हम गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे, LG मनोज सिन्हा यहाँ DC साहब आए यहाँ पर, वो भी हमारे वेलफेयर के बारे में देखेंगे, जो बाकी स्टेट्स में मिल रहे हैं वही चीज़ हमको मिलना चाहिए, कोई एडिशनल चीज़ हम नहीं मांग रहे हैं, जो है वही मिलना चाहिए। हमारी जो यहाँ पे आज खास खुसूसी मीटिंग हुई सर, सर्विसमैन, इसमें हमने यूनियन प्रेसिडेंट सुना है जो कि हमारे मसल मसाइल हल करेंगे और अपनी गवर्नमेंट से अपना कोटा लेके अपने बंधु को दिलवाएंगे, इसलिए हमने यहाँ ये यूनियन मीटिंग बुलाई, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब जो नियुक्त किए गए हैं परवेज अहमद मीर साहब और वाइस प्रेसिडेंट जहांगीर रशीद साहब जी। क्या बेनिफिट्स हैं आपके जो आपको नहीं मिल रहे अभी? जो भी गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक जो भी हमारा कोटा है एज पर रूल, वो हमें मिलना चाहिए, जिसके लायक हम होंगे वो हमें मिलना चाहिए। राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर ऑफर्स 3-year इंटीग्रेटेड क्लासरूम प्रोग्राम फॉर IAS, KAS स्पेशलाइज्ड फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ऑफ एनी स्ट्रीम। ड्रीम बिग एंड प्रिपेयर अर्ली। फॉर काउंसलिंग विजिट राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर। फॉर मोर इन्फो कॉल ऑन 9469888333।